वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़राए आला पर यह वाज़े कर दिया है कि मुल्क में कोविड की दूसरी लहर को किसी भी हालत में रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए फैसला कुन इकदाम उठाए जाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुल्क में कोविड वबा के पेश नजर रियासतों के वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर काबू पाने के उठाए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल भी किया। इजलास में वजारत सेहत ने रियासतों की दरख्वास्त पर 45 साल से ज्यादा उम्र के उन तमाम अफराद को वैक्सीन देने की तजवीज पेश की। मरकज ने रियासतों को भी हिदायत दी है कि वो कोरोना की जांच पड़ताल के लिए मास्क पहने और जिस्मानी फासिलाती कवानीन को सख्ती से नाफिज करें। इस मौके पर यह भी वाजे किया गया है कि ऐसे वाकयात में जहां लोगों के जमा होने का इम्कान है वहां खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। सेफ जोन थे एक प्रकार से, अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यहीं नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास हमारा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए, हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है, एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है, और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। टीटीवी न्यूज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और हाँ, प्रेस द बेल आइकॉन तो एवरी अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।